हेलो दोस्तों, अर्बन हेल्दी कुकिंग में आपका स्वागत है। आज हम समोसे बनाएंगे। ये बहुत ही इजी तरीके से बन जाते हैं। इसके लिए हमने 300 ग्राम मैदा ली है, इसमें हाफ टी स्पून अजवाइन डाली, 1 टी स्पून नमक डाला है। नमक अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। आधा कप ऑयल डाला है, ये 50 ग्राम के करीब है। इसे आप अच्छी तरह मिला लें। ये पूरा मिलकर तैयार है। ये इस तरह लड्डू की तरह बनकर तैयार होने लगे, तब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका डो तैयार कर लें। इसका डो ना ज़्यादा हार्ड रखना है ना ही ज़्यादा सॉफ्ट, उसे मीडियम ही रखना है। इसे थोड़ी देर मसल कर रख दें। डो तैयार है। अब एक कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल लिया, इसमें हाफ टी स्पून जीरा डाला, दो हरी मिर्च डाली हैं, अदरक कद्दूकस किया हुआ डाला है, ये 8-10 काजू के पीस डाले हैं जो हमने पहले से रोस्ट कर लिए थे। आप साथ में भी इसे रोस्ट कर सकते हैं। 1 बाउल पनीर डाला है क्यूब्स करके, इन्हें भी हमने पहले से रोस्ट कर लिया था। 1 बाउल हरी मटर डाली है। सबको अच्छी तरीके से मिला लें। 4-5 काली मिर्च डालें, इन्हें आप पहले भी डाल सकते हैं। अब इसमें हाफ टी स्पून लाल मिर्च डाली, 1 टी स्पून धनिया पाउडर डाला है, 1 टी स्पून गरम मसाला डाला, हाफ टी स्पून काला नमक डाला है, हाफ टी स्पून सफ़ेद नमक डाला है, इसे आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसे अच्छे से मिला लें। अब इसमें 1 टीस्पून अमचूर पाउडर डाला है, इसकी जगह आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं, इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है। 500 ग्राम बॉयल्ड आलू लिए हैं, इन्हें तोड़कर हमने डाला। इन्हें 1 मिनट के करीब अच्छे से मिलाकर फ्राई कर लें। सूखा धनिया पाउडर डाला है, आप इसमें हरा धनिया पाउडर भी डाल सकते हैं। मसाला बनकर तैयार है। डो को दोबारा थोड़ा सा मसल लें। अब इसकी छोटी छोटी लोइयां बना लें। और इसे रोटी की तरह बेल लें, ना ही ज़्यादा पतली बेलनी है ना ही ज़्यादा मोटी। इसे चाकू से बीच से काट लें। नीचे साइड में पानी लगाएं। अब इसका कोन बना लें और इसे अच्छे से दबाते हुए कोन तैयार करें। कौन बनकर तैयार है। अब इसमें जो हमने मसाला बनाया था उसे डालें और उंगली से प्रेस करते हुए अंदर को दबाएं। चारों तरफ पानी लगा लें राउंड में। अब इसे बीच से फोल्ड करें। अब धीमे धीमे हाथों से दबाएं। इसे चारों तरफ से अच्छे से दबा लें। समोसा बनकर तैयार है। एक कढ़ाई में ऑयल डालें,
ऑयल को लो टू मीडियम पर ही रखना है, इसे ज़्यादा गर्म नहीं करना है। लो टू मीडियम पर ही समोसों को फ्राई करना है। इसे थोड़ी थोड़ी देर में पलटते रहें जिससे समोसे जले नहीं। थोड़ी थोड़ी देर में पलटते हुए समोसे फ्राई करें। लो टू मीडियम पर ये बहुत ही क्रिस्पी सिकते हैं। समोसे सिककर तैयार हैं। इसे एक प्लेट में निकाल लें। गर्मा गर्म समोसे तैयार हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।